हिजाब को लेकर काफी मामले सामने आए थे और एक बार फिर हिजाब को लेकर एक स्कूल छात्रा को स्कूल में आने से रोका गया है। ये तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल में एक छात्रा के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई गई है और इस मामले में एक प्रधानाचार्य और 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी दी और इसके साथ ही पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में एक 10वीं कक्षा की छात्रा शामिल है, जिसने शिकायत हिजाब पहनने को लेकर स्कूल में छात्रा को स्कूल से आने के लिए मना किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह मामला 10वीं कक्षा की एक छात्रा की शिकायत पर किया गया है, जिसने ये दावा किया कि कक्षा में उसके हिजाब पहनने को लेकर काफी रोक की थी और उन्होंने ये भी कहा कि लड़की को कक्षा के अंदर हिजाब न पहनने को लेकर एंट्री नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगे लगातार जांच कर रही है।